जो हार्दिक आंदोलन कर रहा है समाज की वो गतिविधि के बाद, लेकिन समाज शायद नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि पाटीदार समाज एक शिक्षित समाज है, समृद्ध समाज है। पाटीदार समाज हमेशा आंदोलन के जरिए अनामत मांगता नहीं, लेकिन अनामत उसको चाहिए नहीं, अनामत तो आवश्यकता ही नहीं है पाटीदार समाज को। फिर भी हार्दिक जैसे कई नेता कांग्रेस के साथ जो मिलकर अनामत की बात करते हैं, लेकिन पाटीदारों में जो पिछड़ा वर्ग है वो आज भी अपने मेहनत के दम पर आगे आना चाहता है, उसको अनामत नहीं चाहिए। अनामत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने खुद के बलबूते पर पढ़कर वो अनामत की बात करता है तो आगे आएगा, लेकिन अनामत उनको नहीं चाहिए पाटीदार को। सिर्फ एक दो व्यक्तियों के आंदोलन के चलते हुए पूरे समाज को जो बदनामी मिलती है उसके कारण शायद पाटीदार समाज आज शर्म के मारे हर जगह यही बात करता है कि हार्दिक पटेल अपने स्वार्थ की वजह से ही ये अनामत आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस ने की है वो सभी लोग जानते हैं। 84-85 में जो खाम पद्धति का उपयोग किया था कांग्रेस ने, वही इस बार 2017 की विधानसभा में गुजरात के साथ वही खाम पद्धति का उपयोग कर समाज को बांट कर उसकी अपनी सत्ता की भूख लेने के लिए हार्दिक उसका मतलब हथियार बन गया है। सीधी बात है, जब हरियाणा और राजस्थान में इस प्रकार की मांग उठी थी और राज्य सरकारों ने उस मांग को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब खारिज कर दिया था, वो समझते हुए भी हार्दिक और कांग्रेस ने मिलकर एक एजेंडा बनाया और गुजरात की जो जाति है, समाज है, उसको बांटने का सबसे बड़ा पाप कांग्रेस और ये हार्दिक ने किया। हार्दिक का जो प्रकरण हुआ है वो अभी हार्दिक पटेल कांग्रेस की स्क्रिप्ट ही पढ़ रहा है, और जो कांग्रेस चाहती है वही बोलता है और जो कांग्रेस चाहती है वही करता है। वो पाटीदारों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पटेल समाज को कोई फायदा नहीं हुआ है इससे, फायदा तो क्या उससे, उसका नुकसान हुआ है। समाज में प्रतिष्ठा कम हो गई है पाटीदार समाज की, और ये कांग्रेस की चाल थी वही हार्दिक कर रहा है, उससे पाटीदार समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हार्दिक पटेल ने जो स्क्रिप्ट है पहले थी ज कांग्रेस द्वारा बनावेली स्क्रिप्ट थी, अने ये प्रमाणे जे चाली रह्यो छे, आखिर में एने चूंटणी वक्ते कांग्रेस ना एजेंडा उपर आवी गयो छे, अने दरेक लोको जोई रह्या छे, गुजरात नी प्रजा जोई रही छे कि कांग्रेस नी जे स्क्रिप्ट थी ए प्रमाणे छेल्ले कांग्रेस ने समर्थन उपर आवी गयो छे। कांग्रेस ना समर्थन थी पाटीदार समाज ने कोई फायदो थाय एवी शक्यता ज नथी। आज थी 25 वर्ष पहला पाटीदार समाज नू जे स्टेटस हतुं ने आजनू जे स्टेटस हतुं ए चोक्कस भारतीय जनता पार्टी सरकार नी अंदर मळेलू छे, अने एना लीधे पाटीदार समाज खूब ज આગળ આવ્યો છે સરકારની જોડે રહીને અને સાથે રહીને। એટલે કોંગ્રેસ સાથે પાટીદાર સમાજ જાય તો અત્યારે કોંગ્રેસ પાટીદારોનું લઈને બેઠી છે।